अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज के व्लॉग में खुश आमदीद। बुध का दिन है आज गाइस, 4:27 हो रहे हैं। मैं तकरीबन दोपहर 12 बजे से जो है ना वेट कर रहा था, मैंने कहा थोड़ी ठंड हो जाए, गर्मी बहुत है। और फिर 3 बजे से स्टार्ट किया राइड, देखना अभी 4:30 बजे राइड मिली है। ये राइड गो है और इनको लेके जाना थी मिल्लत कॉलोनी, रावलपिंडी में कमेटी चौक के पास है। और तकरीबन 18 किलोमीटर का रास्ता राइड गो है और इस पर AC नहीं चलाना, ये AC राइड नहीं है। अभी कस्टमर को पिक करने जा रहा हूँ, मैंने कस्टमर फेयर पर राइड पिक की है क्योंकि फेयर अच्छा होता है राइड होगा और इसमें AC नहीं चलाना होता, ठीक हो गया। और अभी मैं कह रहा हूँ काम के हालात बहुत डाउन हो चुके हैं, कोई नया भाई आ रहा है तो मैं उसको बता दूँ कि काम डाउन है, आप बेशक आ जाओ। बहुत मतलब कि इस टाइम से हालत है कि आपको राइड ही नहीं मिल रही, बहुत कम फेयर पर लोग जा रहे हैं, राइड आती है फ़ौरन गायब हो जाती है, ये सिचुएशन बनी हुई है। आल्टो तो रुल रही हैं, आप वैगनार आल्टो ये सारी जो है ना खड़ी हुई है रोडों पर और कोई सवारी नहीं है। अच्छा गाइस, मैंने मिल्लत कॉलोनी में राइड को ड्रॉप कर दिया था, मुझे 1000 रुपये मिला था। तकरीबन 21 किलोमीटर गाड़ी चली थी विदाउट AC, राइड गो थी, तो वहाँ से आप यकीन करें मतलब कि राइड ही नहीं मिल रही थी। बड़ी मुश्किल से मुझे राइड मिली, आप देख सकते हैं ऊपर एक राइड आ रही थी जिसको मैं ऑफ़र दे रहा था। अब ये राइड थी 6 किलोमीटर की राइड थी, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर पिक करने जाना था। अब इस राइड को मैंने पहले 450 बोला, वो नहीं मानी, तो मैंने फिर जो है ना उसको 450 मतलब बार बार बोला, नहीं मानी। फिर मैंने 400 बोला, मैंने कहा चलो 400 में चले जाते, 400 में मुझे राइड नहीं मिली। तकरीबन 3 से 4 दफ़ा मैंने 400 बोला, कस्टमर ने फेयर नहीं दिया, आपको शो हो रहा होगा राइड, मतलब कस्टमर पेमेंट नहीं करना चाह रहा, मतलब वो उनका दिल था कि 300-350 रुपये में हमें ले जाए, ठीक है। तो ऐसा तो मतलब कि नुकसान है, फ़ायदा तो नहीं है। फिर इसी तरह की और भी काफ़ी राइडें आ रही थी, 6-7 किलोमीटर की, 8 किलोमीटर की, वो भी इसी तरह जो है ना फेयर नहीं दे रहे थे, राइड एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कस्टमर, तो कम फेयर में जाना चाह रहे थे। तो मुझे भी एक राइड मिली है छोटी सी, इसको मैं फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल लेके आया हूँ, ये राइड गो है। इसी राइड मिली मैं उनको मिल्लत कॉलोनी से लेके आया, मिल्लत नहीं टीपू रोड से उठाया, 2-2.5 किलोमीटर का रास्ता था, मैं उनको पिक करने गया और राइड गो थी, फेयर अच्छा था, मैंने उठा ली कस्टमर फेयर पे। कस्टमर ने बोला कि आप AC चलाओ, मैंने कहा AC की राइड नहीं है, राइड गो है। कहता है हम आपको एक्स्ट्रा पे कर देंगे, ठीक है। तो अभी ये है कि मैं इनको इधर लेके आया हूँ, इन्होंने बोला आप थोड़ा सा वेट करो, 10 मिनट बाद हमने जाना है जॉयलैंड, तो अभी यहाँ पे है कि वेट करो मैं उनका, फिर इनको लेके जाऊँगा जॉयलैंड। इस टाइम काफ़ी भाई कहते हैं यार आप व्लॉग नहीं बनाते, आप जो है ना नहीं आते यूट्यूब पे, मैं अभी कैसे आऊँ, मतलब कि राइड ही नहीं है, काम ही नहीं है, तो मैं फिर व्लॉग कैसे बनाऊँ, तो व्लॉग ही नहीं फिर मैं बना सकता। तो काफ़ी भाई कहते हैं राइड नहीं है, काम नहीं है, तो काम का जो है ना बिल्कुल तबाह हो चुका है इस टाइम, काम का बिल्कुल मैं कहता हूँ कि ख़त्म हो चुका है। जैसे एक राइड आएगी वो फिर कम पैसों में जाएगी, इसी तरह फिर अगर आप कम पैसों में जा सकते हो फिर आप काम कर सकते हैं, कर लें, तो लेकिन मतलब इस टाइम फ़ायदा नहीं है इस काम में अभी। अच्छा गाइस, राइड को मैंने जॉयलैंड ड्रॉप कर दी है फौजी फाउंडेशन हॉस्पिटल से, टोटल मैंने 1000 रुपया लिया है। अब यहाँ से मुझे राइड मिली है DHA 2 की, 490 रुपये में मिनी की राइड है, टोटल 8 किलोमीटर का रास्ता है। अच्छा गाइस, अभी DHA 2 से मुझे राइड मिली है, राइड गो है, 8 किलोमीटर की राइड है, 600 रुपये की, अभी पिक करने जा रहा हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब के शॉपर हैं और राइडें मिलना बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम। किसी भाई ने ना फेक राइड डाली थी गीगा मॉल से F8 की, और यहाँ पे आल्टो वाले जो है ना 950 में रेडी हैं, तो उस बंदे ने दोबारा राइड डाली और वो आल्टो वालों को सही जो है ना उनको गंदी कर रहा था उनकी, कि आप लोग जो है ना यहाँ से 27 किलोमीटर 950 रुपये में रेडी हो। तो ये इस टाइम सूरत हाल बनी हुई है, मतलब बहुत कम फेयर में जा रहे लोग। मेरा तो ये है कि राइड अच्छी मिलेगी तो काम करूँगा, वरना नहीं। तो मैं बस अच्छी राइड ढूंढता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करता हूँ, थोड़ा वेट करोगे आपको अच्छी राइड मिलेगी। जब भी राइड ड्रॉप कर दिए, यहाँ से राइड मिली है बैरियर टाउन की रफ़ी ब्लॉक की, 550 रुपये में 10 किलोमीटर, मुश्किल से राइड मिली है। अब इनको पिक करने जा रहा हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। अच्छा गाइस, अभी राइड ड्रॉप कर दिया बैरियर फेज 8 में मैंने, और अभी आप देख सकते हैं मेरी टोटल अर्निंग आपको शो हो रही होगी 3,250 रुपये। तो इसमें आप ऐड कर लें एक कस्टमर को जो मैं लेके आया था फौजी फाउंडेशन, उनसे मैंने जो है ना 400 रुपये एक्स्ट्रा लिया, ठीक है, 100 रुपये मैंने एक्स्ट्रा लिया था क्योंकि उन्होंने गाड़ी में AC चलवाया था, बाकी 300 रुपये उन्होंने आगे जाना था तो जॉयलैंड। तो अगर आप 400 रुपये ऐड करते हैं तकरीबन 3,650 रुपये बनते हैं, और अभी तक मेरी गाड़ी चल चुकी है तकरीबन आप देख सकते हैं 64 किलोमीटर गाड़ी चली है, मतलब कि तकरीबन 3 लीटर मेरा पेट्रोल लग चुका है, 3 लीटर पेट्रोल लगा मेरा और बाकी 900 रुपये का मेरा पेट्रोल लग गया। अगर हम 900 रुपये हम माइनस करते हैं 3,650 में से, तो हमारे पास 2,650 रुपये बचता है। 2,650 रुपये में से अगर हम कमीशन माइनस करते हैं, कमीशन हमारा बनता है 320 रुपये। 2,650 में से अगर 300 हम काट लेते हैं तो हमारे पास बचता है 2,360 रुपये। तो 2,360 रुपये आज की मेरी बचत है पेट्रोल कमीशन निकाल के। आज मैंने काम स्टार्ट किया था लेट, आज तकरीबन 4 बजे मैं ऑनलाइन हो गया था और 4:30 बजे मुझे राइड मिली। तो 4 बजे से आप करते हैं अभी तक 9 बज गए, अभी अब चेक कर सकते हैं 9 बज गए, और 4 से 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 5 घंटे
पाँच घंटे मैंने काम किए, आधा घंटा मुझे राइड ढूंढने में लगा था उस टाइम। बाकी है कि बाकी राइड मुझे जो है ना बड़ी मुश्किल से मिली है, काफ़ी टाइम मुझे बैठना पड़ा है तब जाके राइड मिली है। अब मैं आपको बताता हूँ कि काम क्यों स्लो है। अभी पाँच घंटे मैंने जो है ना अर्निंग किए टोटल 3,600, और मैं नॉर्मली मतलब काम अच्छा होता था ना पहले, तो मैं छः सात घंटे के अंदर तकरीबन मैं 5-6 हज़ार बना लेता था, ठीक है, 6 से 7 घंटे के अंदर 6-7 हज़ार बन जाता था। लेकिन अभी वो सिचुएशन नहीं है, ठीक है, 5 से 6 हज़ार बन जाता था, अभी वो सिचुएशन नहीं है। अभी मतलब कि आप देख सकते हैं अगर मैं काम कर रहा हूँ, अगर 6-7 घंटे भी करता हूँ ना तो मेरा 5,000-6,000 नहीं बनेगा, ठीक है ना, मेरा 5,500 तो बन ही जाता था 6 घंटे में। तो अभी ये सिचुएशन है कि 6 घंटे में आपके मुश्किल से 4 इस टाइम में ड्राइवर के अंदर जो फंस चुके हैं वो लोग, ठीक है, मेरा मतलब कहने का ये है लोगों ने अपनी जो है ना जॉब छोड़ दी है, बिज़नेस बेच दिए हैं। कितने भाइयों ने मुझे बोला कि यार हम दुकान बंद कर दी, हमने दुकान बेच दी, हमने प्लॉट बेच दिया, किसी ने क्या बेच दिया, मतलब कि वो गाड़ी खरीद के चला रहे हैं। अब जो फंस गए हैं तो अगर वो निकल सकते हैं तो निकल जाएँ, अगर वो नहीं निकल सकते तो बस गुजारा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बस जितना रिजक आपने नसीब में लिखा मिल के रहेगा। बाकी जो भाई नया आने चाह रहे हैं तो मैं उनको कहूँगा कि मुझे नीचे आप वीडियो के नीचे बहुत कॉमेंट आते हैं भाई ड्राइवर चलानी चाहिए या नहीं चलानी चाहिए, तो मैं उनका यही बोलता भाई मेरे सारे व्लॉग्स देखें आपके अभी के जो है ना रिसेंटली, अभी अभी ये वाला व्लॉग देख लें, पिछले जो 4-5 व्लॉग है उठा के देख लें आप, आपको पता चल जाएगा कि क्या सूरत हाल है आपकी। सूरत हाल इस टाइम यही है कि हफ्ते में आप तो मैं मुझे जो लग रहा है ना कि हफ्ते में आप तो मेरे ख्याल है 2 दिन भी मुश्किल से मिलेंगे जिसमें काम अच्छा होगा, पहले तो 3-4 दिन होते थे, आप तो मुझे लग रहा है 2 दिन भी नहीं मिलेंगे। तो बाकी ये कि ये काम ऐसा ही है, अब जब तक नई कंपनी नहीं आएगी तो काम दोबारा से बहाल नहीं होगा, जब तक ये ऐसा ही काम है। करीम जब आई थी क्या हुआ था, करीम आई 2-3 साल कितना अर्सा वो जो है ना उसने सही जो है ना लोगों को जो है ना अच्छी जो है ना बोनस दिए, सारा कुछ किया, बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर करीम गिर गई, उसके बाद आई जी उबर, उबर साथ ही आई थी, खैर उबर आई, उबर ने बड़े जो है ना मज़े की थी, उबर ने बड़ा पैसा कमा के दिया, उबर से बड़ा पैसा कमाया, करीम से बड़ा पैसा कमाया हमने। फिर उसके बाद जब करीम, उबर तो बंद होगी रावलपिंडी इस्लामाबाद में, करीम रहेगी, करीम पे तो लोग रोते थे, मैंने गाड़ी बेच के मैंने बड़ी गाड़ी ले ली, मैंने कहा अब करना ही नहीं है करीम का काम। लेकिन बाद में जैसे फिर ड्राइवर आई तो फिर दोबारा लगे इस काम पे। अब इन ड्राइवर की ऐसी सिचुएशन बनी हुई है ना कि ये किसी भी टाइम जो है ना लोग इसको छोड़ के भाग रहे हैं, कर रहे हैं इस काम को, इन ड्राइवर को छोड़ रहे हैं। आप मुझे जरूर बताइएगा अच्छा व्लॉग कैसा लगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।